10 अप्रैल को हमारी एक लिस्ट आती है, उसके बाद जो है 13,479 का परिणाम घोषित किया जाता है। भर्ती बोर्ड के मनमाने रवैये के कारण वो 13,479 की लिस्ट हट जाती है और उसमें से 5,000 लोगों को मनमाने रवैये के कारण बाहर कर दिया जाता है, ठीक है सर। उसके बाद 8,678 लोगों का फिर मेडिकल कराया गया है अभी, और मैं वो बंदा हूँ जिसने मेडिकल 3 साल पहले दिया था। 3 साल होने, आज मेरे को 3 साल हो गए, मेरे को नियुक्ति शायद 3 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। हमारे बाद 2015 के लड़के, 2018 के लड़के ट्रेनिंग पर जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारी जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है, भर्ती बोर्ड का मनमाना रवैया। और भर्ती बोर्ड में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने, मैं समझता हूँ प्रशासनिक अधिकारी यानी मुख्यमंत्री, गृह सचिव, उन सभी लोगों को गुमराह कर रखा है। बार बार कोर्ट में जाते हैं, इधर की उधर करते रहेंगे, इधर की उधर करते रहेंगे, लेकिन वास्तव में जो उन्हें करना चाहिए, सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी करने की देर है। ये सारे लड़के जो हैं इस समय 2013 वाली भर्ती के, ये सारे लोग मेडिकल पास हैं, फिजिकल पास हैं, दो दो एग्जाम क्लियर करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी 3-3 साल से बैठे रहने के बावजूद भी इन्हें आज भी नियुक्ति नहीं दी गई है।